बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम अदनान ख़ान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, स्वां ब्रिज की वीडियोस आपके साथ मैं पहले भी बना के शेयर कर चुका हूँ। लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा मैप पे आपको समझा देता हूँ किस एरिए की आपको वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। ये स्वां अड्डा है जो कि ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर DHA एक नया रोड बना रहा है, तो इसलिए यहाँ से स्वां अड्डे को ख़त्म कर दिया गया है। ये आपका हाई कोर्ट का एरिया है। रवात से जब आप आते हैं तो जो रावलपिंडी की तरफ जाने वाला रास्ता है, ये जो एरिया है, इस एरिया की आप वीडियो देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रिज है, जो अगला ब्रिज है, ये वाला एरिया आप देखेंगे। उसके बाद आगे यहाँ पे रोड पे काम किया जा रहा है, रोड को वाइड किया जा रहा है। यहाँ पर NLC काम कर रही है, ये वाला एरिया आपको मैं दिखाऊँगा। DHA इंटरचेंज के बाद आपको आगे ये जो एरिया है चेक पॉइंट तक, यहाँ पे काम किया जा रहा है, ये वाला एरिया आप वीडियो में देखेंगे। वीडियो की तरफ चलते हैं, आपको वीडियो में दिखाते हैं क्या सूरत हाल है। ये ब्रिज का स्टार्टिंग पॉइंट है। ब्रिज की अप्रोच रोड के लिए एक्सीवेशन का काम किया जा रहा है। पहले ब्रिज का 70% हिस्सा मुकम्मल कर लिया गया है, अगले हिस्से पे काम किया जा रहा है। ये जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ तक ब्रिज का काम मुकम्मल कर लिया गया है। इसे अगले हिस्से पे गर्डर रखने के लिए काम किया जा रहा है। मेरा फेस रवात की तरफ है। रवात से आने वाली ट्रैफिक के लिए ये ब्रिज बनाया जा रहा है, जो कि रावलपिंडी की तरफ जाएगी। राइट पे हाई कोर्ट, लेफ्ट पे स्वाड है। मेरा फेस शिफा की तरफ है और ये दूसरा ब्रिज है जिस पे काम किया जा रहा है। ये ब्रिज के बाद का एरिया है, रावलपिंडी के चारी की तरफ जाने वाला रास्ता है।
यहाँ पे रोड को वाइड करने के लिए काम किया जा रहा है। स्वाम ब्रिज की न्यू अपडेट आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें। मेरा चैनल आपको दिखाएगा रावलपिंडी इस्लामाबाद के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और हाउसिंग सोसाइटीज़ की न्यू अपडेट। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।